उत्तर प्रदेश विधानमंडल के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। ये सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होने वाला पहला सत्र बन गया है। नई नियमावली काफी मंथन करने के बाद बनाई गई है। इसमें कई अहम बिंदु हैं। सपा के विधायकों ने इस पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि इसमें विपक्ष को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि नई नियमावली सत्र सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए बनाई गई है। नई नियमावली के विरोध में सपा विधायक काला कपड़ा पहनकर विधानसभा पहुंचे और काला कपड़ा पहनकर सपा के सदस्य सदन भी जाएंगे। इस मौके पर विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। गन्ना भुगतान जल करो। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे। चौधरी अजीत सिंह अच्छी साइकिल से आए मेहरबान की तरह। देखिए, तीन दिन का सत्र इन्होंने चलाया है योगी सरकार ने। लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, जनता की आवाज़ को बंद करने के लिए इनके जो कुकर्म हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको छिपाने के लिए सत्र कम चला रहे हैं। और अंदर मोबाइल ले जाना बंद कर दिया है। ठीक है, मोबाइल पे बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान ही नहीं, देश के अंदर किसी पार्लियामेंट में, किसी विधानसभा में मोबाइल प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो लोकसभा के अंदर प्रतिबंध नहीं है। इस तरह से जो आए दिन घटनाएं हो रही है, नई नियमावली जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हम टोटल विरोध कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ा विरोध यह है कि तीन दिन का सब चला रहे हैं। आपने अधिकार छीन लिया है बोलने का। आपने आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं इन सब चीज़ के विरोध में। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।